लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। इंडिया गठबंधन की सबसे पॉपुलर महिला मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी के नेता के विवादित बयान के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 24 घंटे का बैन लगा दिया। बताएंगे कौन है ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता दोस्तों। इसी के साथ में भाजपा के लोग पहुंचे थे प्रचार करने के लिए, किसानों ने घेरा, इसके बाद हुआ है जोरदार तरीके का बहस। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, क्या 400 सीटें जीतने के लिए गड़बड़ी करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। बताएंगे आपको एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर बीजेपी ने ही शेयर किया है जिसके बाद उनको जवाब देते नहीं बन पा रहा है। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में खाली कुर्सी ने अमित शाह का किया है स्वागत, एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ, छठे चरण से जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश परिवर्तन के पंच के साथ छठे चरण के चुनाव में भी अब बदलाव के सिक्सर मारने के लिए तैयार है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी महिला नेत्री में से एक ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग विवादित बयान देने पर उतर आए बीजेपी के प्रत्याशी और कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने जज के पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद बीजेपी ने टिकट देकर मैदान में उतार दिया। इसके बाद उनको समझ में आ गया कि ममता बनर्जी और टीएमसी के सामने चुनाव जीत पाना उनके लिए असंभव है, तो ममता बनर्जी को लेकर विवादित टिप्पणी करने लगे। जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की थी दोस्तों, ममता बनर्जी पर कहा था कि ममता बनर्जी तुम कितने रुपए में बिकी हो, 10 लाख रुपए की, क्या इस तरीके के विवादित बयान दिए गए थे दोस्तों। इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से भारतीय जनता पार्टी के नेता और हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय को 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार से बैन कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में कहा है कि ये महिलाओं के अपमान के सबसे निचले स्तर पर उतरकर बीजेपी के लोगों ने टिप्पणी की है, भाजपा के नेता ने टिप्पणी की है, इसकी जितनी आलोचना की जाए उतना कम है, ये साफ तौर पर महिला के प्रतिष्ठा का अपमान है, उनके डिग्निटी का अपमान किया गया है। पूरे मामले पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी साध कर बैठे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 24 घंटे की रोक लगा दी है। हालांकि 24 घंटे से ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी जिससे आने वाले दिनों के अंदर कोई भी नेता इस तरीके का द्वयम दर्जे का बयान देने से पहले 10 बार सोचता। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के नेता और क्योंकि ये हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं तो इनसे ऐसा विवादित बयान सामने आना चिंता का विषय है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। साथ साथ हरियाणा की बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री अनिल विज को किसानों ने घेर लिया है दोस्तों। उनसे किसानों पर गोली और आंसू गैस के गोले चलाए जाने को लेकर किसानों ने सवाल पूछे। इस पर अनिल विज कहने लगे कि तब मैं गृह मंत्री था, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। भारतीय जनता पार्टी ने अनिल विज को अलग थलग कर दिया था। जैसे ही मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया वैसे ही अनिल विज को लगा कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया दोस्तों। इसके बाद अनिल विज ने भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जताते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। वो बीजेपी के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे तो किसानों की ओर से प्रदर्शन करते हुए कहा गया कि आपके गृह मंत्री रहते हुए हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए गए, लोगों को परेशान किया गया, किसानों को आंदोलन करने से रोका गया, इसीलिए हम भी आपको यात्रा नहीं करने देंगे, रैली नहीं करने देंगे, और जोरदार तरीके से बीजेपी के नेता का विरोध किया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज खुद अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं और ऐसे में किसानों ने प्रदर्शन किया तो वो कह रहे हैं कि मैं गृह मंत्री था तो मुझे जिम्मेदारी से भागने का कोई अधिकार नहीं है, मेरे को इसका जवाब देना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का विरोध किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के जो अभी बड़े बड़े सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं वो किसानों के सवालों को अवॉइड करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे बीजेपी के नेता इनका जवाब देने के लिए पहुंचे हैं, हालांकि उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया था जिससे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की जमकर आलोचना हो रही है। बीजेपी ने अपने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह को चुनाव जितवाने के लिए लोगों से अपील करते हुए एक वीडियो बनाया था दोस्तों। इस वीडियो में ईवीएम का डेमो दिखाया जा रहा है, दूसरे नंबर पर चौधरी धर्मवीर सिंह का चुनाव चिन्ह है तो वहीं पर वोट डाल के उनको समर्थन करना चाहिए था, लेकिन ये जो वीडियो बनाया गया है हरियाणा बीजेपी की ओर से शेयर किया गया है दोस्तों। इसमें ईवीएम का पहला बटन दबाया जा रहा है और बीजेपी के नेता चौधरी धर्मवीर सिंह को दूसरे नंबर पर वोट जा रहा है, इस तरीके का डेमो दिखाया गया है। लोगों ने निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग डिलीट करके भाग गए जब इनको लगा कि इन्होंने गलती कर दी है पहले नंबर पर दबाने पर, दूसरे नंबर पर डेमो के अंदर बीजेपी का वोट जा रहा है। इसके बाद मोहम्मद जुबैर ने भी कहा कि इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है इसलिए डिलीट कर दिया गया है दोस्तों। साथ साथ लोगों ने और भी कई सारे निशाने साधते हुए कहा कि क्या 400 सीटें जीतने का यही तरीका भारतीय जनता पार्टी के पास बचा हुआ है, जो वो ऐसा कर रहे हैं, 400 पार का फॉर्मूला इस वीडियो के डेमो के द्वारा बताया है बीजेपी ने। बटन ऊपर वाला दबाया गया लेकिन वोट बीजेपी को चला गया। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलती का एहसास जरूर हुआ है, लेकिन ईवीएम को लेकर जिस तरीके से अभी आजकल सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसके बाद ये वीडियो शेयर किया गया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लोग निशाने पर ले ही रहे हैं। साथ साथ अमित शाह दिल्ली के अंदर प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, अपने आप को चाणक्य बताने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी रैली में भीड़ तक नहीं जुटा पा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां तहां कुर्सियां खाली खाली दिखाई दे रही थी, अमित शाह की रैली में बमुश्किल 500 लोग भी मौजूद नहीं थे। दरअसल दोस्तों छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से वीडियो शेयर करते लिखा गया कि खाली कुर्सियां बता रही है कि बीजेपी के कथित चाणक्य को भी अब जनता सीरियस नहीं ले रही है, मान लीजिए अपनी हार मुश्किल में है, इस बार 200 भी पार। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जेपी नड्डा हरियाणा में एक रोड शो करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके रोड शो में उतने ही लोग दिखाई दे रहे थे जितने पुलिस वाले थे, यानी दोस्तों भारतीय जनता
पार्टी के नेता केवल दिखाई दे रहे थे, रोड पूरी तरीके से जगह जगह खाली पड़ा हुआ था। ऐसे में जो बड़ी जानकारी आ रही है उसके अनुसार लोगों को 500 रुपए देकर जेपी नड्डा के रोहतक रैली में लेकर आया गया था। यहां तक कि एक युवा ने बताया कि वो पार्क में घूम रहा था तब बीजेपी वाले लोग आए और उन्हें रैली में लेकर आ गए और इसके बदले में 500 रुपए भी दिए जा रहे हैं। यानी दोस्तों पार्कों में से लोगों को उठाकर लेकर आया जा रहा है ताकि अमित शाह के रोड शो में भीड़ को दिखाया जाए। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताया गया। इसके साथ में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक की गिरफ्तारी की है। आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर केजरीवाल पर स्याही फेंके जाने का यह मामला है। थप्पड़ मारने की कोशिश की गई इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है। एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि इन आरोपियों की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर पूर्व के प्रत्याशी मनोज तिवारी के साथ में है। कन्हैया कुमार ने इस हमले का आरोप बीजेपी पर लगाते हुए कहा था कि मनोज तिवारी ने उन पर हमला करवाया है। जिस समय कन्हैया कुमार पर हमला हुआ उस समय स्थानीय पार्षद छाया शर्मा भी उनके साथ मौजूद थी। कन्हैया कुमार ने कहा था कि जब से वो पार्टी के कैंडिडेट बनकर यहां पर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं मनोज तिवारी लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि क्षेत्र की जनता मनोज तिवारी से नाराज है। तो अपनी नाराजगी को छुपाने के लिए कन्हैया कुमार के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए अटैक करवाया गया है। साथ साथ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने इस दौरान सभा में कई सारी बातें बोली लेकिन जयराम रमेश ने कई सारे सवाल प्रधानमंत्री मोदी के सामने रख दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिजर्वेशन को अपोज करने वाले विचारों का समर्थन करते हैं, क्या इसका जवाब आना चाहिए? साथ साथ पेपर लीक जो कंस्पिरेसी है गवर्नमेंट जॉब के अंदर रिक्रूटमेंट को अवॉइड करने की, क्या उस पर नरेंद्र मोदी का कोई जवाब है, कोई पॉलिसी है उनके पास या नहीं? साथ साथ 2 करोड़ रोजगार की बात आपने की थी उसका क्या हुआ? साथ साथ मोदी सरकार नंबर रिड्यूस कर रही है प्रयागराज एयरपोर्ट पर, यानी जो एयरपोर्ट पर पहले जितने फ्लाइट जाया करते थे उन्हें कम किया जा रहा है, ऐसा क्यों? कुल मिलाकर दोस्तों कई सारे सवाल है, स्थानीय लोगों के सवाल से लेकर राष्ट्रीय स्तर के सवाल सारे नरेंद्र मोदी से पूछे जा रहे हैं। जहां जहां नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है कांग्रेस पार्टी वहां के स्थानीय मुद्दे मोदी के सामने रखे हुए उनसे जवाब मांग रहे हैं। हालांकि भाजपा के लोग और खासकर नरेंद्र मोदी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। साथ साथ लोकसभा चुनाव के बाद अजीत पवार गुट फिर एक्शन मोड में आ गया है। 27 तारीख को पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। राज्य में सहयोगियों के सहयोग और वोटिंग पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक का आयोजन मुंबई के गरवारे क्लब में किया गया है। यहां पर बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी। महागठबंधन में शामिल घटक दलों ने वोटिंग में मदद की है या नहीं की है यह भी जानकारी ली जाएगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार एनडीए का हिस्सा है। एनडीए ने महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा है। यह पहली बार है जब शरद पवार से अलग होकर अजित पवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। खासतौर पर सबसे ज्यादा चर्चित बारामती लोकसभा सीट जहां से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार मैदान में उतरी है वहां पर भी किस तरीके का मुकाबला है यह सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों महाराष्ट्र में पहले फेज में 63% वोट पड़े, दूसरे में 62% वोट पड़े, फिर 63%, फिर 62% और बाद में आखिरी चरण पांचवें चरण में मात्र 54% वोट पड़े हैं। इस तरीके के ट्रेंड से क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है पूरी रिपोर्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं से मंगवा रहे हैं ताकि पता चल सके कि हवा किस ओर बह रही थी। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत।